गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री मेंस क्लासेस फॉर एमपीपीएससी आज जो है एमपीपीएससी मेंस में जो हिस्ट्री का सेक्शन होता है उसका यूनिट वाइज हम लोग चालू करेंगे मोस्ट uh, प्रॉबली मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा और उसको कैसे आगे अपने को आंसर राइटिंग में उसको अप्रोच करना है उसको देखेंगे मेरा नाम ए के मेहता है और मैं आज से आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले अपन देखेंगे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से अगर अपन चालू करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो होती है शुरुआत से अगर देखें तो हिस्ट्री की जो यूनिट वन होती है उसमें हिस्ट्री जो इतिहास चालू होता है वो चालू होता है प्री हिस्ट्री पीरियड से परंतु अपने एम पी पी एस सी के सिलेबस में वो उतना नहीं आता है अपना जो मैथ्स का सिलेबस है वो चालू होता है इंडस्विले सिविलाइजेशन से टेंथ सेंचुरी एडी तक का जो पीरियड है उस पीरियड में जितनी भी डायनेस्टीज़ हुई है जितना भी पीरियड हुआ है जितना उसके दौरान क्या क्या पॉलिटिकल सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है वो अपने को इसमें पूछा जाता है तो आज अपन सबसे पहला टॉपिक जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस्ट्रिय सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं उसको अपन स्टार्ट करेंगे Uh, मैं चालू आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन से करूँगा बेसिक चीज़ें जो आपको पता है आप प्री में भी पढ़ते हैं तो प्री और मेंस में बस फर्क इतना ही रहता है कि प्री में मैं जो मोस्टली फोकस होता है अपना वो रहता है फैक्ट फैक्ट पे ये फैक्ट वन लाइनर आते हैं और फैक्ट पे अपने को आंसर मिल जाता है और मैंस में जो है उसका जैसे उसका अपने को थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना रहता है कि उसका आ, आ, जो है पॉलिटिकल इश्यूज क्या रहे उस समय इकोनॉमिकल इश्यूज क्या रहे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर मिली है उसके क्या इंपॉर्टेंस है कुछ इम्पोर्टेंट जो पर्सन हैं इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जिन्होंने एक्सकाविशन किया है इंडस्विले सिलाइजेशन का कुछ साइटों का उस पर बात करेंगे अपन ठीक है कोई फॉरेन ट्रेड वगैरह होते थे उन पर बात करेंगे मैं इसका और मैसापोटे की जो सभ्यता है मैसापोटे सिविलाइजेशन उसमें दोनों में क्या समानता है सुमेरियन सभ्यता और इंडस्विले सिविलाइजेशन में क्या समानता है इस प्रकार से सब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अपन लाइन बाय लाइन को इसको कंप्लीट करेंगे तब इंडस्विल सिलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ होती है जो बेसिक से शुरू होती है वो है कि ये तो अपने पहला पॉइंट चालू हो गया इसमें मैं आपको इस हिस्ट्री ऐसे पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा ब्रीफ़ आइडिया दे दूँ मैं इंडस्विल सिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जो है जैसे आपको मैं बेसिक चीज़ अगर बता दूँ तो इस अर्थ पर जो मनुष्य का जीवन चालू हुआ था वो लगभग लगभग ढाई से तीन साढ़े तीन करोड़ ईयर्स साढ़े तीन करोड़ साल पहले चालू हुआ था धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है उसमें मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से बॉडी ने डेवलपमेंट किया और वो बंदरों से जो है कपी जिसको बोलते हैं बंदरों से वो मनुष्य की फेज में आना चालू हुआ समय बढ़ता गया समय बढ़ता गया उस और धीरे धीरे जो है लोगों ने नई नई चीज़ें देख 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 कर चालू करी और जो है अपन ने उस पूरे पीरियड को कुछ सेक्शनों में बाँटा है तो सबसे पहला जो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड आता है उन उसको भी अपन ने तीन कुछ भागों में डिवाइड किया था फिर उसके बाद जो है अपना कुछ ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर लोगों ने एग्रीकल्चर करना चालू खेती करना चालू कर दी मेटल्स का यूज़ करना चालू कर दिया और उसके बाद जो है एक ऐसा पीरियड आता है जब लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया तो सबसे पहले हमारे सिलेबस के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जहाँ से अपना सिलेबस चालू होता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर जो है लोगों ने रहना सीख लिया था घर बनाना सीख लिए थे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी यहाँ पर लोगों ने व्यापार करना सीख लिया था आदान प्रदान चीज़ों को लेना देना सीख लिया था बिजनेस चालू हो चुके थे लोथल जैसे कुछ पोर्ट बना दिए थे बंदरगाह बना दिए थे और उन बंदरगाहों पर जो है उस पर ट्रेडिंग भी चालू होती थी दूसरी सभ्यताओं सुमेरियन हो मैसापोटामिया हो और भी सभ्यताओं के साथ इन्होंने आ, सामान जो है व्यापार जो है इनका चालू हो गया था तो सबसे पहले अपन इस सिलेबस में जो एम बी पी का सिलेबस है उसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग क्या सभी बच्चे क्या करते हैं कि प्री पढ़ते हैं अच्छे से और प्री को ही वे लोग क्या करते हैं कि प्री को ही मेंस में भी प्री को ही पढ़ते हैं फिर तो मेंस और प्री में थोड़ा सा फ़र्क है जब अगर आप शुरुआत से अगर कोई चीज़ चालू कर रहे हैं अगर पढ़ना आप एम पी आए हैं और अब पढ़ना एम पी चालू कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि आप मेंस पे फोकस करिए करें। मेंस करेंगे तो लोग क्या कहते बच्चे क्या करते हैं कि प्री करेंगे पहले फिर मेंस आएगा तो मेंस करेंगे इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू करेंगे तो वो जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो मैगजिमम टाइम फ्लॉप ही हो जाती है क्योंकि प्री और मैन्थ्स में ज़्यादा समय रहता नहीं है दो तो, तीन महीने का समय रहेगा आपके पास उसमें आप इतनी तैयारी कर नहीं सकते हो इतना ज़्यादा लिखने की कैपेबिलिटी और ये सब समझ में नहीं आता तो मेरा ये फोकस रहता है कि आप हमेशा जो है एक मैथ्स की तैयारी करिए मैथ्स की तैयारी करिए मैथ्स की तैयारी करेंगे तो इतनी अच्छे से करिए कि प्री उसके ऑलरेडी हो जाती है ठीक है हम लोग पहले बच्चे प्री करते हैं फिर मैथ्स करेंगे फिर इंटरव्यू करेंगे और समय अपने पास इतना बीच का रहता नहीं है अपने पास केसेस भी बहुत सारे चलते रहते हैं तो कोई चीज़ फिक्स है नहीं तो इसलिए अपने को जो है एक थोड़ा सा ब्रॉड वे लेके चलना है अगर यहाँ से चालू करेंगे तो हो सकता है कि प्री में तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इंडस्ट वैली का कोई क्वेश्चन आए ना प्री में मोस्ट प्रोबली चांस है क्योंकि वहाँ पूरा सिलेबस आता है परंतु मेंस में आना ही है ठीक है ना क्योंकि टोटल मिला के दस या बारह टॉपिक होते हैं और दस या बारह टॉपिक में से आ, कुछ तीन मार्क्स के क्वेश्चन है पाँच मार्क्स के क्वेश्चन है बड़े जो क्वेश्चन है ग्यारह मार्क्स के अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें से अगर मान लीजिए किसी ने मौर्य सिविलाइजेशन जो मौर्य डायनेस्टी जो है मौर्य डायनेस्टी पर तीन मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ लिया पाँच मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो जो है फिर वापस से जो है क्वेश्चन जो है मौर्य डायनेस्टी का आ, आगे नहीं पूछ सकता गुप्ता डायनेस्टी का अगर उसने एक क्वेश्चन पाँच मार्क्स में पूछ लिया तो फिर वो आगे नहीं पूछेगा दो नह, सौ शब्दों वाला में क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको फिर वो नहीं पूछ सकता तो ये वहाँ पर जब टॉपिक ही फिक्स है तो अपने को मतलब सब पढ़ना है और सब में से कुछ ना कुछ आना है ये बात तय है तो आपको हर चीज़ को इतना अच्छे से

देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं तो सामान्य सी बात है इंडस वैली मतलब इंडस नदी एक नदी का नाम है इस नदी को हिंदी भाषा में सिंधु नदी कहते हैं ठीक है और तो सिंधु नदी सब और इसकी जो मैगज अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि मैगजिम जितनी भी साइट्स जो डिस्कवर हुई वो मैक्सिमम साइट्स जितनी भी मिली है अप्रोक्सीमेटली 1400-1500 साइट्स सा आज तक मिल चुकी है तो मैक्सिमम जितनी भी साइट इसमें डिस्कवर हुई ना वो सारी सिंधु नदी या तो सिंधु नदी की के आसपास या उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके आसपास वो कॉलोनियाँ बन गई थी पहले कोई ऐसा डेवलपमेंट तो था नहीं कुछ लोग कबीलों के रूप में रहते थे तो कहीं पे थोड़े लोग रुक गए थोड़ी आगे जाके थोड़े लोग रुक गए तो थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है छोटे छोटे गाँव या छोटे छोटे कबीलों का डेवलपमेंट ऐसा मिलता है तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली क्यों नाम दिया गया कुछ और दे देते इंडिया वैली सिविलाइजेशन दे देते या पाकिस्तान वैली सिविलाइजेशन दे देते या एशिया साउथ एशिया वैली सिविलाइजेशन दे सकते थे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको इंडस्टैली इसलिए बोला जाता है क्यों क्योंकि इसकी जितनी भी साइट्स मिली हैं जितनी भी साइट्स इस सभ्यता की डिस्कवर हुई है जितने भी शहर इस सभ्यता के पाए गए हैं वो सारे सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए हैं अच्छा उसके आसपास पाए गए हैं ऐसा नहीं कि वहीं पे पाए गए हैं या उसके अलावा कहीं नहीं मिले हैं बहुत दूर दूर तक भी सिंधु नदी से काफ़ी दूर तक भी इसकी सिविलाइजेशन के अपने को मिले हैं साक्ष्य मिले हैं और वो अपन देखेंगे इसमें कौन कौन सी लोकेशन पे कहाँ कहाँ मिले हैं तो जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रिलइजेशन ठीक है ना अब इंडस्ट्री सिलाइजेशन की शुरुआत में अपन देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा साइड्स शुरू हुई थी तो हड़प्पा अच्छा दूसरा एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को हड़प्पा वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन केवल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसकी जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी जो पहली इसका जो लोकेशन डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा से हुआ था तो अब पहली साइट को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कि यार पहली साइट डिस्कवर हुई है कोई बड़े शहर एक पूरी सभ्यता अगर एक पूरी सिविलाइजेशन डिस्कवर होती तो जो पहली साइट दी है उसको जो मिली है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए उसी शहर के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया है इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है ना इसके दो तीन और नाम भी हैं वो आप डिस्कस करेंगे ठीक है ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन सारी कांस्य युग सभ्यता और ये सब तो देखेंगे अब इसमें देखेंगे अपन कि वैली सिविलाइजेशन जो है एक मिनट तो इंडिया सिलिस्टलाइजेशन की जो खोज मानी जाती है वो सन 1921, 1921 और 1922 में दयाराम सारी नामक एक भारतीय थे उनके द्वारा की गई थी पर इसकी जो खोज होने की शुरुआत जो थी वो इससे बहुत साल पहले 80 साल पहले ही हो चुकी थी ठीक है तो देखेंगे अपन यहाँ पे यहाँ से चालू करते हैं ये थोड़ा सा आपको समझने में आसान रहेगा तो सबसे सब पहले इंडस्ट्रियलेशन की खोज कब से चालू हुई तो ये भाई साहब एक थे मेजर जनरल एलेक्जेंडर कनिंगम तो ये क्या व्यक्ति थे ये नाइनटीन सॉरी एटीन में भारत में एक आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्योंकि भारत अंग्रेज जब आए थे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में राज करते थे तो उनको पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं मिली जो उनके समय से बहुत पुरानी थी तो उनको ऐसा लगा कि भारत उनको पाकिस्तान इजिप्ट या और भी मैसापोटामिया और इतनी और भी दूसरी दुनिया के दौरित बहुत सारे देशों में जो है इस प्रकार की सभ्यताएं मिली तो उन्होंने भारत में भी इस प्रकार की सभ्यता की खोज करना चालू करी तो एटीन में ये भाई साहब हैं अलेक्ज़ेंडर कनिंगम इनकी इन्होंने इनको बुलाया गया ठीक है ना तो ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे और इन्होंने भारत में में जो खुदाई है इसके काम को में इंटरेस्ट लिया और उसके बाद इनको आ, 1861 में अठारह में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है आ, एक विभाग बनाया गया था जिसको पुरातत्व विभाग बोलते हैं उसका डायरेक्टर भी बनाया गया और इन्हीं भाई साहब ने अठारह में एक सील खोज के निकाली ठीक है एक सील मतलब इनको एक मिली अब उस टाइम पे वो सील को पढ़ना मुश्किल था सिंधु घाटी सभ्यता का या वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य जितने भी मिले हैं रिटर्न जो भी चीज़ें मिली हैं उनको आज भी पढ़ना संभव नहीं हो पाया है वो सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या थी वो क्या लिखा गया है बस जो सील मिली है उसमें जो डिज़ाइन है जो फोटो हैं या इस जो किसी जो, जो जो भी चीज़ें बनी हुई है उस बेसिस पे जो है सब लोगों ने प्रडिक्ट किया है अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट आए उन्होंने अपने अपने विचार दिए कि इस बेसिस पे हम ये मान सकते हैं बेल मिला है इसलिए खेती होती होगी ठीक है इस सिक्का मिला है इसलिए जो है व्यापार होता होगा इस प्रकार से ये सब चीज़ें मानी गई है तो इनको 1860 से 1875 में एक सील मिली और उस सील में में इनको क्या मिला एक बुल मिला और छः लेटर्स मिले हालांकि उस जमाने में ये कब की बात है 1875, सेवेंटी फाइव अठारह सौ पिचहत्तर की बात है तो ये ये उसको पहचान नहीं पाए कि यार ये है क्या ये चल क्या रहा है ये सब ठीक है तो उन्होंने बोला ये यूँ होगा किसी बच्चे ने बना दिया होगा तो बोले चलो ठटाओ लगे फिर क्या हुआ इसके बाद हुआ कि सर एक व्यक्ति आए ये सब तो चला गया 25 साल और निकल गए अठारह से 1902 तक आ गया अपना पीरियड फिर जॉन मार्शल फिर क्या हुआ कि 1902 में ब्रिटिश में एक जॉन मार्शल करके व्यक्ति आए वो भारत में जो है उन्होंने एक्सकावेशन uh, का काम चालू किया उनकी बड़ा इंटरेस्ट था तो उन्होंने लगभग लगभग 20 साल जो है एक्सकावेशन जो है वो पाकिस्तान में किया और उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है चाणक्य वाली तो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ युण, का पूरा उन्होंने डिटेल निकाला और वहाँ पर उसको पूरा एक्सकावेटेड किया और वहाँ पर एक तक्षशिला म्यूज़ियम नाम से एक इन्होंने म्यूज़ियम भी बनाया ठीक है यहाँ लिखा भी है इन नाइनटीन एटी एटीन ही फाउंडेड द स्टोन ऑफ तक्षला म्यूजियम विच वॉज होस्टेड मेनी एंड ऑफ द मार्शल फ्यूज पोर्ट्रेट ठीक है और इन्हें और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर थे और इन्हीं के साथ जॉन मार्शल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखना इनके ऊपर तीन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या पाँच पाँच में तो नहीं आएगा ये मैंने सारी सभी इंपॉर्टेंट जितने भी लोग थे उस टाइम के जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया है उनका मैंने तीन मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं आंसर तैयार कर दिए हैं ये क्वेश्चन भी आ सकता है किसी भी व्यक्ति का जैसे पिछले साल पिछले पेपरों में कोटिल्हिया का आ चुका है ठीक है तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का आ सकता है जिसका भी उनको लगेगा तो तीन मार्क्स के लिए तो अपने को हमेशा तैयार रहना वो तीन मार्क्स में क्या रहता है कि चीज़ें फैक्ट लिखनी पड़ती है ठीक है तो इतना लिखा हुआ है इनमें से कुछ भी याद रह जाए दो लाइनें, उसमें काम हो जाएगा आपका तो ये जॉन मार्शल जो है भाई साहब जो है ये बीस साल तक इन्होंने यहाँ भारत में खुदाई करी और इन्हीं के कार्यकाल में जो है तक्षशिला म्यूजियम या तक्षशिला यूनिवर्सिटी की खोज की गई थी जो पूरी गायब हो चुकी थी और इन्होंने तक्षशिला म्यूजियम की स्थापना करी जॉन मार्शल जो थे ये एक डायरेक्टर जनरल थे मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे ठीक है ये यू से आए होंगे भाई साहब तो इनके नीचे भी कुछ लोग होंगे यू से नहीं आए होंगे उस जमाने में ये एक बड़ा पद था ठीक है ना उनके नीचे भी कुछ पद होते थे तो इन्हीं के जो सबॉर्डिनेट थे इनके नीचे जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनमें से एक नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी इनका नाम ना आपने सुना होगा तो इन्होंने दयाराम साहनी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजने का हड़प्पा शहर को खोजने का जो श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी को जाता है और ये इन्होंने किस और ये इन्होंने किसके अंडर में किया जॉन मार्शल के अंडर में तो जॉन मार्शल जो है एक मिनट जॉन मार्शल के अंडर में किया यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है ना ये उन्होंने 1921 और उन्नीस में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में काम किया ठीक है ना और बाद में इनका काम इतन, इतना अच्छा लगा कि 1925 में इनको दिल्ली बुलाया गया वहाँ पे इनको डिप्टी डायरेक्टर जनरल बना दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और 1931 में इसी व्यक्ति को डया सहनी को भारत का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया जो पहला भारतीय था तो ये बात आप याद रखना ये बड़ी बात है है ना क्योंकि इसके पहले जितने भी डायरेक्टर बने वो सारे ब्रिटिशर्स ही थे परंतु तो पहली बार इनका काम देख के ब्रिटिशर्स के बारे में एक बात कहूँगा कि उन लोगों ने हमेशा अच्छे लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया वो लोग हमेशा ही अच्छे लोगों को आगे लाए ऐसे इतिहास में बहुत एग्जाम्पल है समय के साथ अपन वो देखेंगे तो ये आ गए अपने दया साहनी साहब तो दयाम साहनी साहब ने हड़प्पा सेविलजेस हड़प्पा शहर की खोज की बहुत रिकॉगनाइजेशन मिला लोगों ने अखबारों में छपा ये हड़प्पा तो जॉन मार्शल और दया साहनी सानी के कंबाइंड इफ़ेक्ट के साथ इन्होंने और इनका इतना नाम हुआ कि 1925 में इनको दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुलाने के बाद जो है इनको आ, आ, डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया और फिर उन्नीस में भारत का पहला डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया भारत का पहला बना दिया गया इनको इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जो साथ में काम करते थे विभाग तो बहुत बड़ा होता है बहुत सारे लोग काम करते हैं तो इन्हीं के लेवल का दूसरा एक डिपार्टमेंट इनका एक और व्यक्ति था जिसको बोलते हैं राखलदास बनर्जी या राखलदास दास बंदोपाध्याय दोनों एक ही हैं तो राखल दास बेनर्जी भी इन्हीं के साथ में काम करते थे तो इन्होंने जब हड़प्पा खोजी उसी समय के थोड़े समय बाद इन्होंने जो है एक नया शहर खोज दिया मोहन और मैं बता रहा हूँ मोहन जो है वो एक ज्यादा डेवलप शहर था हड़प्पा भी डेवलप्ड था पर मोहन एक ज़्यादा डेवलप शहर माना जाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है आज उन्होंने आडी बनर्जी और द इंडियन कल्चरल म्यूजियम एक्सपर्ट ठीक है ना ये दोनों चीज़ होगी ठीक है अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके बारे में अपने को जानना है जैसे ये है केसरीनाथ केसरीनाथ नारायण दीक्षित अब उन्होंने दयाराम साहनी ने और अपने आडी जो बनर्जी साहब हैं इन लोगों ने हड़प्पा और मोहन जोधड़ो की शुरुआती खोज तो कर दी पर अभी लंबे समय तक तो कर नहीं पाए क्योंकि वो तो बहुत बड़ा शहर था ना और थोड़ी थोड़ी देर दूरी पर जो है नई नई सभ्यताएँ नए नए सामान मिलते जा रहे हैं और चल रहे हैं बहुत लंबी दूरी तक तो थोड़ा उन्होंने खोज दिया वो चीज़ें चालू हो गई फिर लोगों का इंटरेस्ट जगा तो फिर ब्रिटिशर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और नए नए लोगों को बुलाकर उसको और ज़्यादा खुदाई करवाई तो एक फिर अगला व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम था नारायण दीक्षित ठीक है ना तो नारायण दीक्षित जो हैं ये भी डायरेक्टर जनरल बने थे नाइनटीन थर्टी से नाइनटीन फोटी फोर तक ठीक है ना और इन्होंने मोहन जोदाड़ू की खुदाई में जॉन मार्शल के साथ काम किया था ठीक है तो ये जॉन मार्शल के साथ जो बनर्जी साहब थे और उनके साथ ये वही साहब अपने ये भी लगे हुए थे बाद में ये डायरेक्टर जनरल बन गए डायरेक्टर जनरल का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो संस्था प्रमुख होता है ठीक है अब वो संस्था प्रमुख होता है इसलिए उसी का नाम आता है आप अगर काम करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आपको समझ में आएगा कि काम आप करते हैं और जो मेन जो इंचार्ज होता है आपका तो वो उसको क्रेडिट दिया जाता है उस क्योंकि उसकी देख में होता है मेन सारा काम वही देखता है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट जे एच मे ये ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से क्या है कि ये तीन मार्क्स में पूछे जा सकते हैं दो दो लाइन लिखनी है दो लाइन आपको पता होनी चाहिए किसी के भी बारे में ये तो सामान्य सी बात है तो अब इतनी आप चीज़ें लिख देंगे ना और थोड़ा सा पॉइंट ये थोड़ा फैक्ट वैक्ट डाल देंगे अपने लेवल पर जितना याद रह जाए जितना अच्छे से याद रह जाए तो उसको अपन ईजिली कर पाएंगे ठीक है तो अब अच्छा नोट्स बनाते समय एक बात याद रखें कि जब भी नोट्स बनाते हैं मैं भी जब भी नोट्स बनाता था तो मेरा क्या रहता था जो पेज रहता है अपने एक रजिस्टर का एक पेज रहता है उस पेज पर पे मैं आधा लिखता था आधे पेज पर पे लिखता था और आधा या थ्री फोर्थ पर लिखता था और वन फोर्थ छोड़ देता था वो डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा आंसर लिखना है ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तरफ दो पेज होते हैं लेफ़्ट और राइट तो एक पेज पे लिखते हैं राइट पे या लेफ़्ट पे और साइड वाला छोड़ देते हैं पूरा खाली कि भविष्य में अपन और भी चीज़ें पढ़ेंगे कोई एक चीज़ तो पढ़नी नहीं है बहुत सारी किताबों को पढ़ना है बहुत सारी चीज़ों से पढ़ना है बहुत सारे नए कंसेप्ट आएंगे इसी को अलग अलग तरीके से लिखना सीखना पड़ होगा हो अपने को तो इसलिए क्या करते हैं कि साइड वाला पेज खाली छोड़ देते हैं तो बोले कि चलो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देंगे अब वो इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट जो है आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका तुरंत तो होना नहीं है कि तुरंत ही जो है सारा बस ये लिखा और ये आ रहा और ये काम हो जाए ऐसा नहीं होगा ऐसा कभी भी नहीं होगा ठीक है तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी समय के साथ साथ अपने आंसरों को इम्प्रूव करना पड़ेगा नई चीज़ें आएगी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा जो चीज़ें डबल है या जरूरत से ज़्यादा ही जगह घेर रही हो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं उसको हटाना पड़ेगा या अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उन चीज़ों को कंसाइज करना पड़ेगा ये सब चीज़ें करने के लिए और ये सब वहीं करना है उसी पेज पर पे। लोग क्या करते हैं एक पूरा एक एक टीचर से एक पूरा बना लिया तो दूसरे से फिर पूरा बना लिया तीसरे से फिर पूरा बना लिया अब वो एट द एंड ऑफ द डे वो तीन चार कापियाँ हो गई एक ही सब्जेक्ट की और जब और एक ही हड़प्पा सिविलाइजेशन ने तीन जगह से पढ़ लिया अब वो याद कुछ नहीं रहा उसको तो याद कुछ नहीं रहा क्योंकि और लिखने ने जब बैठा वो तो अब ये लिखे कि ये लिखे कि ये लिखे कि ये, ये लिखे तो हमेशा याद रखें जब भी आप मैंस की तैयारी चालू करें तो एक स्ट्रेटेजी रखें मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जब मैं पेपर लेता हूँ जब मैं कॉपी बनाता था तो आधा पेज लिखता हूँ आंसर और आधा पेज छोड़ देता हूँ वो भविष्य के लिए कुछ लोग एक पेज एक पूरी तरफ लिखते हैं और एक तरफ छोड़ देते हैं मेरे को वो जमता है नहीं है क्योंकि बार बार इधर से इधर देखो इधर से इधर करो नहीं आप जो हैं सीधा उसके नीचे छोड़ें कोई भी चीज़ आती है ऊपर मार्जिन भी होती है वो मार्जिन इसलिए दी जाती है कि कुछ पॉइंट ऐड कर लो है ना बाकी उस मार्जिन का कोई लेना देना नहीं है ऊपर से भी लिख सकता आदमी एक व्यक्ति आए फिर मे अर्नेस्ट मे ठीक है ना ये भी ब्रिटिश का सर्वे थे इन्होंने भी हड़प्पा सॉरी मोहन जोधरा की आ, मोहन जोधारो की एक्सकावेशन में इम्पोर्टेंट रोल आ, अदा किया है ठीक है ना और इन्होंने जो है चंदूहारो एक करके जगह है उसके बारे में अपन देखेंगे उसकी भी प्लानिंग करी है कि उसको कैसे जो है खोदा जाए किसके साथ मिलकर नॉर्मल ब्राउन के साथ मिलकर ठीक है अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये ठीक है ना मोटीमर व्हीलर ये बहुत व्यक्ति इंपॉर्टेंट है समझदार होशियार ठीक है इसके बारे में बहुत पढ़ने को भी मिला है और इन्होंने वाकई में जो है अच्छा काम भी किया है ठीक है ना इनके बारे में देख लें आप ये पॉइंट लिखे हुए हैं ठीक है मोहन जोदाड़ो की साइट में अच्छा इन ये क्या था मोटिवल विलर भारत की आज़ाद आज़ादी के पे आज़ादी के समय अब अब नया भारत बनने वाला था भारत सरकार नई बनने वाली थी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी ज़ाहिर सी बात है नया नए लोग आएंगे तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो नए लोग आएंगे वो लोग करेंगे क्या तो जो नए लोग आएंगे उनको सिखाने के लिए भाई साहब जो है ट्रेनर थे ठीक है ना तो ये भारत के पहले ट्रेनर थे आर्कोलॉजिकल सर्वे के कि भैया खुदाई कैसे की जाती है तो ये लिखा भी है इसमें ठीक है ना आप ये आफ्टर इंडिपेंडेंट ही बिकम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट आफ्टर इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट ठीक है और उसके बाद जो है इन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो पाकिस्तान ने के जो ये उन्नीस सौ उन और उन्नीस सौ पचास में पाकिस्तान के आर्कोलॉजिकल uh, एडवाइजर भी रहे हैं ये ठीक है और उन वहाँ पर उन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है तो वहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ पाकिस्तान होता है उसके स्थापना में भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है और जो है वहाँ पर कराची में एक नेशनल म्यूज़ियम का भी उद्घाटन किया है और उस इन्हीं की सर्विस को देखते हुए सन नाइनटीन में इनको उपाधि दी, दी गई तो ये छः सात लोग जो है ये इंडर, इंडर सिलिसन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपन ने इनके बारे में देख लिया अब थोड़ा तो सा अपन आगे जाते हैं ठीक है अब ये देखिए अब इंडर तो चालू हुई इन्होंने खोज दिया ठीक है ना तो अब अपने को ये देखना है कि इंडस्ट्रियल में चल क्या रहा था मतलब हो क्या रहा है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं मतलब कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इंडस्ट्रियली सिंधु नदी के आसपास फैलने की बजाय बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी तो उसके कुछ कॉर्डिनेट होंगे कि भैया अगर वो ईस्ट में फैली है तो मैक्सिमम कहाँ तक गई है वेस्ट में फैली तो मैक्सिमम कहाँ तक गई है ऊपर नॉर्थ में गई है साउथ में कहाँ तक गई है अच्छा ये सारी साइट जो है ना आज तक जितनी साइट खोजी गई है उस बेसिस पे ये प्रमाण लिखे गए हैं उस बेसिस पे डाटा उठाया गया है कल को मान लो मध्य प्रदेश में कोई नई साइड मिल जाए महाराष्ट्र में मिल जाए या उधर और आगे चले जाए पाकिस्तान से आगे बलूचिस्तान से भी और आगे चले जाएँ आप तो वहाँ पर भी आपको नई नई साइड अभी मिल सकती है मिलती है मिल भी रही है ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें है अच्छा हड़प्पा भारत ऐसा इंडिया में बोला जाता है कि हड़प्पा जो है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है दुनिया की सबसे पुरानी के होने के साथ साथ भारत की भी सबसे पुरानी सभ्यता हैं अभी कुछ सालों पहले एक मद्रास में, में जो अपना ये नेवी होती है इंडियन नेवी ने जो गुजरात के जो तट होते हैं उन उस उन तटों के आसपास जो एक शहर की खोज करी थी अब इंडस जो सिविलाइजेशन है अब इंडस्ट्री सिलाईजेशन का जो पीरियड माना जाता है वो तीन हज़ार तीन सौ बीस से तेरह सौ बीस सॉरी मैं बार बार टच हो रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है तो ये इंडस्ट्रिलसिलाइजेशन जो है सबसे पहले जो तेरह सौ तीन ते, हज़ार तीन सौ बीसी से तेरह सौ बीस तक मानी जाती है ये पीरियड दो हज़ार साल का पीरियड है दो हज़ार साल बहुत बड़ा पीरियड होता है ठीक है ना अपन हर समय चीज़ें बदल रही है तो इन्होंने दो हज़ार साल के इस पान को लिखा है ये कहीं कहीं पर ये जो ये जो पीरियड है ना उसको अलग मिलेगा इसमें चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें अनुमानित है ठीक है ना सब चीज़ें प्रडिक्टेबल है ठीक है पर जो पूरा फेज है उसको मोटा माटा अगर अपन देखें तो वो इसके बीच में ही पड़ेगा आपको इससे आगे नहीं जाएगा तो सबसे पहले ये वाली सभ्यता चालू हुई इसकी खोज कब हुई तेरह हजार तीन हजार तीन सौ बीसी तो अब तीन हज़ार तीन सौ बीसी का मतलब क्या होता है अपन बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा से तीन हजार तीन सौ साल पहले और आज अपन दो हज़ार बाईस में है तो आज अपन ईसा के दो साल बाद में है तो दो और ईसा के तीन 300 ठीक है ना तो ये लगभग पांच हजार तीन सौ हजार के लगभग का पीरियड आ जाता है तो आज से 5000 हजार साल पहले की सभ्यता है तो मैं भी आप जैसे को बता रहा था जो इंडियन नेवी है उसने गुजरात में पोर्ट के आसपास जो समंदर का तट है उसमें एक शहर को खोजा है उस शहर में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ साक्ष्य पाए गए हैं हालांकि पूरी जानकारी नहीं मिली क्योंकि वो शहर पूरा समंदर में दब चुका है और उसके अब साक्ष्य उठाना वहाँ पर अब सब जब चीज़ें समंदर में है तो कोई रिटर्न कोई वो तो नहीं मिला है पर वहाँ पर एक सभ्यता मिली है एक शहर मिला है उसमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये इंडस इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन के पहले का प्री इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन या प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है ठीक है तो वो भारत की पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है परंतु तो उसके प्रमाण नहीं है इस वजह से वो कभी ऊपर आया नहीं ठीक है ना पर इसके पहले भी लोग थे ये आप मान के चलें भारत में तो अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली कहाँ से कहाँ तक थी तो अब इस पॉइंट को देखेंगे तो ये से समझ में आ जाएगा आपको कि हड़प्पा वाली सिवाइजेशन एक तो पाकिस्तान में सुकानंडोर जो है ये ये एरिया है जो ये बलूचिस्तान में पड़ता है पाकिस्तान का जो वेस्ट एरिया है वहाँ पर पड़ता है ये फैली थी अपने ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र में और ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर में ऊपर वहां तक ये हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली थी ठीक है ना अच्छा इन्होंने ये कि एक प्रोसेस होती है कार्बन डेटिंग है ना ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इनको पता कैसे चलता है कि ये इतने समय तक जो है ये कितने-कितने साल पुरानी है ये तो एक प्रोसेस होती है कार्बन डेटिंग उसमें किसी भी वस्तु में कार्बन का कंटेंट पता, इस कार्बन 14 का कंटेंट पता कर लेते हैं ये ठीक है और समय के साथ साथ कार्बन फोटीन का जो कंटेंट में वेरिएशन आता है उस बेसिस पे पता चलता है कि ये सभ्यता कितने साल पुरानी है ये वस्तु कितने साल पुरानी है तो सबसे पहली चीज ठीक है ना तो ये इस बेसिस पे जो है 3300 से 1300 सौ का जो पीरियड है जो 2000 साल का जो पीरियड है उस 2000 साल के पीरियड को इन्होंने खोजा है और उस पीरियड में कुल बहुत सारे गांव या शहर निकल के आए हैं हड़प्पा हो गया मोहनजोद हो गया काली बग्गा लोथन चंदुआ और वगैरह बनावली और ऐसे चौदह सौ साइट्स है ठीक है ना सब तो लिख नहीं पाएंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स से उनको अपने को डिस्कस करना है ठीक है ना क्योंकि उनसे चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है प्री में भी और महस में भी ठीक है तो आप उसको डायरेक्ट अपन देखेंगे कि वो कैसे होती है ये अपने सारे व्यक्ति हो गए ठीक है ना ये लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में टोटल चौदह सौ इंडस्ट्रियल साइट्स मिली हैं जिनमें से 925 तो भारत में मिली है और बाकी बची हुई लगभग चार सौ जो है वो पाकिस्तान में पाई गई है ठीक है ना और आज़ादी के आज़ादी के पहले केवल जो है चालीस साइटें जो थी वो पाई गई थी खोजी गई थी भारत में और उसके बाद जो है वो सारी साइटें खोली खोजी गई है ठीक है और अगर पूछा जाए कि इंडस्ट्रविल सिलाइजेशन का सबसे पुराना शहर खोजा गया सबसे पहले तो हड़प्पा खोजा गया था पर हड़प्पा सबसे पुराना नहीं था जो बसावट सबसे पुरानी इंडस्ट्रिय सिलाइजेशन में थी वो थी एक जगह का नाम है बिराना ये जो शहर है या ये जो गाँव है या ये जो एरिया है कबीला ये इंडस्ट्रिय सिलाइजेशन में भी सबसे पहला सबसे पुराना है ठीक है ना ये कबीला और हड़प्पा जो है उसका मेच्योर रूप है ठीक है ना मैंने आपको एक चीज़ बताना थोड़ा सा रह गया कि जो पीरियड था हड़प्पा सिविलाइजेशन का वो 3300 से 1300 सौ तक था जो 2000 साल का जो पीरियड है वो इस पूरे में आता है तो ये तो दो हज़ार साल का पीरियड है ना इस 2000 साल में कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा अपने यहाँ रोज़ डेवलपमेंट हो रहा आप देख रहे हो कि रोज यहाँ पर नई नई चीज़ें आ रही है तो वहाँ पर उस समय में भी तो कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा दो साल में तो तीन हज़ार में इसकी शुरुआत मानी जाती है और तीन हज़ार तीन सौ बीसी से इसको आगे बढ़ाया जाता है तो जो पीरियड होता है लगभग सत्रह सत्ताईस सौ से सत्रह सौ बीसी वाला जो एक हजार साल का पीरियड होता है उस पीरियड की सभ्यता है हड़प्पा परंतु उसके पहले भी सभ्यता थी उसके पहले भी लोग नगरों में रहते थे शहरों में रहते थे जिनको प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है ठीक है जो हड़प्पा के पूर्वज थे ठीक है कुछ शहर तो कुछ शहरों में सबसे पहला जो शहर था जो सबसे पुराना है वो है बिराना ठीक है और जो सबसे बड़ी साइड जो सबसे बड़ा शहर मिला है तो वो है राखी ठीक है राखीगढ़ी तो ये दो शहर है आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट हड़प्पा तो सबसे पहला शहर जिसको खोजा गया था सबसे पुराना शहर था अपना बेराना और सबसे लंबा जो क्षेत्र मिला है सबसे लंबा या बड़ा एरिया शहर मिला है वो है राखीगढ़ी ठीक है अब इसके बाद देखेंगे इस डायग्राम से आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी ठीक है ये है राखीगढ़ी गढ़ी यहाँ पर ठीक है दिख रहा होगा आपको ये है राखीगढ़ी ये है सबसे वेस्ट में मैंने आपको बताया था तो सबसे वेस्ट में जो एरिया दिख रहा है वो सत्कानंडोर ये ये बलूचिस्तान का एरिया है ये पाकिस्तान का ये वाला एरिया बलूचिस्तान ठीक है इसमें और ये मोहन है इंडस नदी ये इंडस नदी बहरी होगी आपको दिख रहा है इंडस इंडस लिखा हुआ है ये इंडस नदी यहाँ लिखा हुआ है इस इंडस नदी किनारे ये है मोहन ठीक है ये मोहन ये इम्पोर्टेंट है अब इसके बाद एक ये शहर है लोथल आप देख रहे होंगे ये जो बे है ठीक है ना खाड़ी जो बनी हुई है भारत की जो अरब सागर वाली जो खाड़ी है उस खाड़ी के किनारे था और लोथल से ही जो है अपना पूरा ट्रेड होता था ठीक है जो व्यापार होता था समुद्री मार्ग के थ्रू जो उधर जाता था मैं सपोर्टा में दूसरी सभ्यता में कहीं पे भी तो यहाँ पे पोर्ट मिला है लोथल में पोर्ट मतलब बंदरगाह विकसित बंदरगाह मिला है वहाँ पे कॉइन्स मिले हैं ठीक है थीके? वहाँ पे आग जो आग रहती है जो फायर होती है उसको जलाने के प्रमाण मिले उससे पता चलता है कि लोथल जो है एक विकसित पोर्ट था उस टाइम पर ठीक है और इसी से पता चलता है कि इंडस्ट्रियलेशन जो थी एक व्यापारिक सभ्यता थी ठीक है तो और भी प्रमाण है अभी वो देखेंगे बहुत सारे प्रमाण हैं ढेर सारे मिलेंगे क्योंकि शहर में जाते हैं तो कुछ ना बहुत सारी चीज़ें मिलती है और सब ने कुछ न कुछ जो है उसका आ, आ, वो लगाया है ठीक है तो एक ये तो हो गया अपना मोहनजोदाड़ो ये हो गया अपना हड़प्पा देखो रावी नदी के तट पर हड़प्पा ये रावी नदी दिख रही होगी आपको ये रावी रावी नदी के तट पे हड़प्पा ठीक है ना तो ये जो इम्पोर्टेंट ये ढोलावेरा है ठीक है ये रण ऑफ कच्चम ढोलावेड़ा अल्हादीनों ये कुछ इंपॉर्टेंट है इनको मैं डिस्कस करूँगा अभी एक एक को डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ मिली मोहन जोधान में क्या क्या मिला है अपना हड़प्पा में क्या मिला है ढोलावेरा में क्या मिला है ठीक है ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे ये काली बंगा यहाँ पर है ये राजस्थान वाला सबसे पहली जो साइट अब सबसे पहली जो साइट अपने आ, हुई है डिस्कवर वो हुई है हड़प्पा साइट्स ठीक है तो सबसे पहले चालू करते हैं मैंने ऐसा लिखा है कि सबसे पहले उसके खोजने वाले का नाम लिखा है किसने खोजा है ठीक है और ये कहाँ पर खोजी गई है उसकी लोकेशन नदी और उसकी लोकेशन फिर वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है ये हमेशा याद रखना प्री में यहीं से क्वेश्चन आएगा हड़प्पा से क्वेश्चन यहीं से बनता है मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम क्या हंड्रेड परसेंट यहीं से बनेगा कि कोई चीज़ कहाँ पे मिली है ये चीज़ कहाँ मिली है वो चीज़ कहाँ मिली है ठीक है ना तो सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज जैसे कि मैंने बताया था उन्नीस सौ में दयाराम साहनी ठीक है ना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे ये आर्कियोलॉजी को सर्वे ऑफ इंडिया में जॉन मार्शल उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे आर्कियोलॉजी को सर्वे ऑफ इंडिया के आ, तो उस आ, उस समय इन्होंने खोजा था जो अपन ने देखा अभी ठीक है ये कहाँ पर मिली है ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट साहिवाल ज़िले में मिली है जो पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है ठीक है ये सब अब पाकिस्तान में चला गया ये वाला एरिया है ना अब यहाँ पर हड़प्पा में मिला क्या क्या है चीज़ें तो बहुत सारी मिली है बस कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी साबुत मिली है और पूरी रिकोगनाइजेशन के साथ और वो वो चीज़ें वहाँ कहीं और नहीं मिली है तो ये हमेशा याद रखना है कि कोई चीज़ अगर पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में मिली है एक ही जगह पर मिली है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए ठीक है तो यहाँ पर क्या मिला है तो भैया एक पोट्री मिली है जिस जिसपे कुछ छपा हुआ है गुदा हुआ है जिसको अभी तक जान नहीं पाए इंडस इंडस्टली स्क्रिप्ट को आज तक कोई डिपेक्ट डिसाइफर नहीं कर पाया है ठीक है तो एक पोट्री मिला है एक क्यूबिकल लाइम मिला है चूना पत्थर का एक टुकड़ा मिला है ठीक है जिस पे कुछ वजन वगैरह लिखा हुआ था तो वो हो सकता है कि वजन के लिए जो बाट यूज़ करते हैं अपन वो चूना पत्थर का यूज़ करते थे ठीक है फींस स्लेग मिले हैं सेंड स्टोन स्टेटस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एक पूरी जो बॉडी है उसका जो तंत्र होता है उसका एक अपने को सेंड स्टोन मिला है ठीक है ना पत्थर से बना हुआ एक पुतला जो होता है ना अपन जो देखते हैं मूर्तियाँ टाइप तो उसका एक सेंड स्टोन एक मिला है ये याद रखना है ना ये अच्छी चीज़ है ये पूछी जा सकती है एक ब्लग कार्ड मिली है ठीक है गेंड्रिज मिली है ये गेंद्रेज तो सब जगह मिली है इससे पता चलता है कि वो लोग कितने समझदार लोग भी थे मतलब उनको धान धान्य जो है वो इकट्ठा करना और ये सब चीज़ों का भी नॉलेज हुआ करता था उसके बाद कॉफिन बुरियल, ठीक है ना कॉफिन बुरियल मतलब यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे शव मिले हैं जिनको कॉफिन में मतलब उस समय में जो है हो सकता है कि जलाने की प्रथा और ये जो दफनाने की जो प्रथा होती है उनके प्रमाण भी सबसे पहली बार जो है हड़प्पा में पाए गए थे और ये केवल हड़प्पा में मिले हैं ठीक है ना बाकी जगह ऐसे दफनाने के जो है शाक्सनी मिले तो हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि उनको दफनाने की प्रोसेस पता थी कि आदमी को दफनाया भी जाता है मरने के बाद ठीक है ना टेराकोटा के जो है कुछ फिगर मिले हैं टेराकोटा ठीक है और ये सारी चीज़ें मिली हैं अपने को ये लिखा भी हड़प्पा हैज़ अ ट्रेड विद द एंशंट मैसापोटे में स्पेशली एलाम अलांग विद द एरियाज कॉटन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर द प्राइमरी ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स ठीक है कॉटन भेजा जाता था एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भेजे जाते थे ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स थे तो सबसे पहली साइड हड़प्पा खास चीज़ एक तो पोट्री इंडस्ट्री स्ट्रिप्ट के साथ सैंड स्टोन मिला है ह्यूमन एनिटोमिका गैनरीज मिली है कॉफिन मिली है ये इंपॉर्टेंट है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने ब्लैक में कर दी है सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है तीन मार्क्स में पाँच मार्क्स में बड़ी आसानी से आ सकती है और बड़ी आसानी से आप लिख देंगे इसलिए मैंने इनको पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है बड़ा आसान है आप इसको याद भी कर सकते हैं ऐसे कि ऐसे नोट्स बना लें इसके तो बड़ा आसान रहेगा इनको करना ठीक है अब दूसरी चीज़ है मोहन जोदाड़ो मोहन जोदाड़ो ठीक है ना मोहन जोदा जो है इसको माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं ठीक है ना अब माउंट ऑफ डेड क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाशों के ढेर मिले हैं ठीक है ना तो जो माउंट ऑफ डेड होते हैं या मृतकों तो का टीला हिंदी में बोला जाता है इसको ठीक है ना तो यहाँ पर दफनाने की प्रथा नहीं मिली हड़प्पा में दफनाने की प्रथा मिली इसलिए इंपॉर्टेंट है हड़प्पा तो अब यहाँ पर ये कहाँ किसने खोजा था तो भाई खो था, 19, 20, 20 ये भाई साहब खुद ने खोजा था आर डी बेनर्जी ने ठीक है ना 1920, 21 या 22 में खोजा गया था ये चलता रहता है पूरा ठीक है इसकी खोज कहाँ हुई थी लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में इंडस नदी के किनारे अभी अपन ने देखा था इंडस नदी सिंधु नदी के किनारे लड़काना डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में ये हुआ था सिंध सिंध जिला है पाकिस्तान में ठीक है अब यहां पे कुछ मेजर फंडिंग जो ब्लैक में लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आते हैं उठा के देख लेना नहीं भी आते तो अब आ जाएंगे ठीक है ना ये मैंने सारी चीज़ें कंसाइज करके लिख दी है ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगी एक एक चीज क्या लिखे क्या नहीं लिखे तो जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बड़ा आसान है इसमें यहाँ पे एक भैया ग्रेड बात मिला है मतलब बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसमें सभी लोग नहाते थे इन्जॉय करते होंगे उस ज़माने में ठीक है ना तो ग्रेड बात मिला है ग्रैंड्रीज मिली है यूनिकॉर्न की सील मिली है अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेट ठीक है ना तो ब्रॉन्ज की एक ब्रॉन्ज मतलब कांसा ठीक है ना उसकी एक लड़की का एक वो डांसिंग वो मिली है अभी ये जो है आ, मिली है अच्छा आ, और इसके साथ साथ जो है डियर एलिफेंट की सीलें भी मिली है ठीक है ना और अच्छा एक सील मिली है जिसपे डियर है एलिफेंट है टाइगर है राइनोस है चार प्रकार के जानवर है एक सील के आसपास और उसको जो है कंसिडर किया जा रहा है क्या कि पशुपति की शील है पशुपति एक भगवान उस जमाने में रिचुअल्स को मानते होंगे तो उसे पशुपति नाथ दिया गया तो पशुपति की शील को माना जाता ये भी पूछ सकते हैं कि पशुपति की शील में इन चार में से कौन सा जो है एनिमल नहीं था यहाँ पे काऊ डाल देंगे ठीक है ना या कुछ और डाल देंगे लायन डाल देंगे तो ये याद रखना कि ये चार चीज़ें होती थी पशुपति की सील में ठीक है स्टेटाइट इंस्टीट्यूट ऑफ बियर्डमैन ठीक है ना उसके बाद है ब्रॉन्ज बफेलो ये सब आपको ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है डांसिंग गर्ल्ड और ये इसकी तो ये हो गया मोहनजोदाड़ो अब उसके बाद आता सुतका जेंडर सुतका जेंडर कहाँ है भैया तो इसकी जो खोज थी वो एंड नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में उन्नीस सौ उनतीस में स्टेइन नामक एक व्यक्ति ने करी थी ठीक है ना और ये कहाँ पर है तो ये बलूचिस्तान में दाश्ता नदी के किनारे पर ये आपको साइट मिलेगी ठीक है ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो तो सुतक जेंडर था ना ये हड़प्पा और बेबलॉन के बीच का बेबलॉन जो थी तो उन दोनों शहरों के बीच का ट्रेड पॉइंट होता था ठीक है ना बीच का पॉइंट होता था यहाँ से हड़प्पा वाले जा रहे हैं वहाँ से वो लोग आ रहे हैं वहीं पर सारी खरीदारी होती थी ठीक है ना फ्लिंट ब्लेड्स होती थी स्टोन वेसल्स पत्थर के बर्तन ब्लेड्स से ने रेजर वगैरह तीखे वाले स्टोन एरोड पत्थरों से जो एरो एरो होते हैं जो तीर होते हैं वो पत्थरों के बने हुए तीर जो तीर का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको तीखे पत्थर का बना के लगाते थे ठीक है ना उसके बाद शेल बेयर्स पोल्ट्री ठीक है और बैक्टीरिया मार्जिन या आर्क्योलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है आर्क्योलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ठीक है ना तो ये मिला अपने को सुटकांड में अगला मिला है अपने को चंदूहारों। चंदूहारों में चंदुहारो इम्पोर्टेंट साइट है जो जो भी इम्पोर्टेंट साइट है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे उसके जो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे जहाँ अगर तीन और पाँच नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आपको सीधा ऐसा कैसा छाप देना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो अपन समय के साथ वो कर लेंगे कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता जाऊँगा उसको आप उस हिसाब से उसमें डालते रहे अभी बहुत चलेगा ये भी लंबी कहानी है ठीक है चंदुआरो क्या है चंदुआरो की जो खोज थी वो एन जी मजुमदार ने नाइनटीन में करी थी ठीक है ना और लोकेटेड इन मुलान संध्या सिंध ऑफ द और ये कहाँ पे लोकेटेड uh, है मुलान सांधा जगह जिले का नाम है सिंध और एरिया का नाम है इंडस्ट रिवर सॉरी नदी का नाम किस नदी किनारे इंडस रिवर और यहाँ पर जो मेजर फंडिंग है चंदुहारो नाम से समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्या मिली एक बेंगल बेंगल्स की फैक्ट्री मिली है चूड़ियों की फैक्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बार आया है प्री में आप देख लोगे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यार ये कोई खास चीज़ मिलती है ना तो उसको पूछ लेते हैं क्योंकि वो वही मिली है वो सब जगह नहीं मिली है ठीक है गेंडरी जो है वो सब जगह मिली हुई है अन्नागार जिसको बोलते हैं ठीक है ना गोदाम जिसको बोलते हैं सामान्य खाना रखने का गेहूँ रखने का वो सब जगह मिला है इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतने ज़्यादा पर इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि पहली बार जो है बेंगल्स फैक्ट्री जो है चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है इंक पोर्ट मिला है बीड मेकिंग शॉप्स मिली है फुटप्रिंट ऑफ द डॉग चेजिंग केट ठीक है ना कार्ट ऑफ़ द स्टेट ड्राइवर इट इज़ अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट ए सिटाडल ठीक है दो, दो चीज़ें होती है मैं आपको बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा शहर में मोहनजोदाड़ो में एक ऐसी चीज़ मिली है जिसको ऐसी संरचना मिली है जो शहर को दो भागों में बांटने में अपने को मदद करती है पहली चीज़ के वहाँ पर उनको एक ऐसा एरिया मिला है जो थोड़ा सा ऊपर है जोग्रफिकली थोड़ा सा ऊँची है पहाड़ी पर है ठीक है ना जिसको दुर्ग या जिसको सिटाडल बोला गया और कुछ एरिया ऐसा है जो थोड़ी निचले स्तर पर है जहाँ से ऊपर वाले क्षेत्र से नीचे निगरानी रखी जा सके ठीक है ना तो ऐसा माना जाता है कि एक कुछ राजा हुआ करते होंगे वो ऊपर रहा करते होंगे पहाड़ी पर और वो निगरानी रखते होंगे पूरे शहर के कामकाज के की नीचे इसलिए जो शहर बसता था वो थोड़ा नीचे बसता था और जो जो सिटाडल या दुर्ग या राजा या उस जमाने में जो भी प्रथा रही होगी वो थोड़ा सा या जो थोड़े संपन्न लोग होंगे सभ्य सभ्यता में समाज में वो थोड़े ऊपर रहते होंगे शहरों में ऊंचाई पर ताकि वो पूरा मैनेज कर पाए देख पाए कि क्या चल रहा है ठीक है ना तो ये जो किले वाली जो बात मैंने आपको बताई दुर्ग और ऊँचा हिस्सा नीचे हिस्सा मैनेजमेंट ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के लगभग सभी शहरों में पाई गई है परंतु तो कुछ शहरों में ये नहीं पाई गई हो सकता है कि ये कबीले अलग हों उसी समय के हों पर अलग हों ठीक है ना तो ये कोई दूसरा देश छोटे से कबीलों के साथ बन गया हो तो उसमें जो है इनके पास सीटाडल वाला व्यवस्था नहीं थी सब लोग साथ में रहते होंगे सब लोग एक ही लेवल पर रहते होंगे अगला एक शहर आता है आमरी ठीक है ना आमरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमरी में जो है जानवरों के अवशेष मिले हैं ठीक है ना उससे और जानवरों के अवशेष भी छोटा मोटा जानवर नहीं है ये ये कुछ विशेष जानवर हैं इसलिए इनको मैंने पॉइंट आउट किया है आमरी की खोज भी एनजी जी ने 1935 में करी थी और ये कहाँ पर मिला है? ये बलूचिस्तान में मिला है ठीक है ना और ये भी इंडस नदी के पास में मिला है और इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पर एंटीलोप हिरण जिसको बोलते हैं हिरण की कुछ प्रजातियों के एविडेंस मिले हैं हिरण की अड्डियाँ मिली है और राइनोसोरस जो होते हैं गेंडा उसकी जो है एविडेंस मिले हैं अपने को आमरी में ठीक है उसके बाद अपन देखते हैं काली बंगा तो काली बंगा भी इम्पोर्टेंट है ठीक है जो जो भी इम्पोर्टेंट साइट है उसके मैं इंपॉर्टेंट लेके आ गया हूँ उसमें आपको और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है ये जितना है उतना सफिशियंट है इनको याद कर लो प्री भी हो जाएगा मैनेज भी हो जाएगा तीन और पाँच मार्क्स में अच्छा इसमें क्या है कि कुछ और भी चीज़ें हैं ये जिससे अपन चीज़ें समझते जा रहे हैं ना इसमें अपने को थोड़ा चीज़ें याद भी रखनी है अभी 2019 में एम पी में एक ऐसे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है उस पर थोड़ा सा आप मतलब प्रकाश डालिए ये क्वेश्चन था कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन तो इकोनॉमिकल कंडीशन यही से पता चलती है जो पढ़ रहे हैं ना अपन ग्रैनरी से सिक्कों से ठीक है ना वहीं से पता चलती है अब इकोनॉमिकल कंडीशन एक बार आ गई तो हो सकता है कि इस बार वो सोशल कंडीशन पूछ लें हो सकता है इस बार वो पोलिटिकल कंडीशन पूछ ले हो सकता है वो इस बार रिचुअल कंडीशन पूछ ले कुछ भी पूछ सकते हैं वो ठीक है ना काली बंगा तो काली बंगा जो है भाई साहब कहा था इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष ने 1953 में आजादी के बाद और ये पढ़ता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कि है राजस्थान इंडिया में और ये डिस्ट्रिक्ट है गग्गर नदी के किनारे इसकी कुछ मेजर फंडिंग क्या है लोअर फोर्टिफाइड टाउन ठीक है वही लोअर फोर्टिफाइड टाउन जो अपन बात कर रहे थे वुडन ड्रेनेज ठीक है जो नालियाँ थी यहाँ पर वुडन की थी है ना उसके बाद कॉपर ऑक्स ऑक्स मिला है कॉपर का एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं याद रखना भैया भूकंप के साक्ष्य जब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की ख़त्म होने की बात करेंगे ना उस समय भी ये सब चीज़ें काम में आएगी अपने को एक वुडन प्लो मिला है ठीक है ना खेत जोतने का लकड़ी का हल कैमल्स बोन मिले हैं अब देखो राजस्थान में था तो राजस्थान में तो ऊँट होंगे ही तो ऊँट की हड्डियाँ तो मिलनी है ठीक है ना तो कैमल्स बोन हो गया फायर मिला है आग जलाने के लिए मिला है क्योंकि ठंड बहुत थी ठंड राजस्थान में ठंड बहुत होती है तो ठंड के लिए उन्होंने आग भी ढूंढ ली थी ठीक है ना और फ्यूर लैंड होती थी तो ये सारी चीज़ें अगला साइड है लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइड है